हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत वेलकम किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये बात सच है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं और आप भी बाट जो रहे हैं कि हमारा प्रभु हम सभी को लेने आएगा मेरे प्रियो। मगर हम सभी को तैयार रहना है मेरे प्रियो, पाप नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है उसको और छाटता हूँ ताकि वह और फले। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मसीह में फल लाना है। शैतान की इच्छाओं पर, शैतान के बहकाव में नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारा शैतान विरोधी गर्जनले सिंह के समान, मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है, इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। वह शैतान ढूंढता रहता है किसको फाड़ नोच खाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, समय कम बचा हुआ है, समय कम बचा हुआ है, बचा लो, अपने आप को तैयार कर लो। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताइए। आपको पास्टर की इच्छा पर नहीं चलना है, किसी के बहकाव में नहीं आना है। जैसा प्रभु ने कहा है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, जो पिता ने हमें व्यवस्था दिया है, वचन दिया है, ठीक है। क्योंकि न्याय के दिन हर एक बात का लेखा अपने मुँह से हर एक मनुष्य देगा, वहाँ पर किसी के ऊपर रहम नहीं करेगा परमेश्वर, रहम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यस मेरे पिता, आपने हम सभी को अवसर दिया है, इस अवसर को हम बहुमूल्य समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को कीमती समझो, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है आप स्वर्ग जाएं। शैतान का एक ही मकसद रहता है, अपने 7 लाखों आत्माओं को नरक मिले जाना। तो जो भी समस्याएं हैं सब पिता परमेश्वर से बताएंगे, ठीक है। बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ फरियाद परमेश्वर से करेंगे। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना में विनती करिए, ठीक है, और अपने पापों की क्षमा मांग लीजिएगा परमेश्वर से। हम भी परमेश्वर से आप सभी के लिए पापों की क्षमा मांगेंगे और अपने लिए, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता। आप महान है, आप दयालु, आप करुणा निधि, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता। आप सर्वशक्तिमान है पिता, आप अल्फा ओमेगा आदि और अंत है पिता। हम खास जोर से धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने पिता हम सभी मसीह भाई बहनों को पिता जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, पिता संभाल के रखा है यीशु राजा। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। कितने तो होंगे पिता जो आज की शाम नहीं देखने को पाए होंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने पिता हम सभी को पिता जीवित रखा है पिता, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है यीशु राजा। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। पिता जिनकी बंद बुद्धि पड़ी है पिता, बंद बुद्धि खुल जाए पिता, खुल जाए पिता, ताकि पिता ये वचन की ओर ध्यान देने पाए पिता। ये जो वचन पढ़े पिता, ये वचन को मनन करने वाले बन सके पिता, वचन को सुनने वाले नहीं पिता, वचन को वचन पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है, वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। यास मेरे खुदा बने यीशु मसीह पिता, हमें ऐसा बनाइए पिता, ताकि आपकी आज्ञाओं पर चले पिता, आपके वचन पर चले। यास मेरे खुदा बने यीशु मसीह पिता, होने दे पिता। हम उन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, बूढ़े बच्चे, जवान हैं पिता, बीमार पड़े हैं पिता, बीमारी में ग्रस्त हैं पिता, नहीं ठीक हो रहे पिता, अपनी बीमारी में जूझ रहे, समस्या में जूझ रहे पिता। हम आपसे विनती करते हैं पिता, उनकी बीमारियां ठीक हो जाए पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं पिता, वे चंगे हो जाए पिता, वे चंगे हो जाए पिता। आपका वचन कहता है पिता, पिता आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यश मेरे खुदाबंद यीशु मसीह पिता, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं पिता, ने चंगाई दीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र पिता, पवित्र है पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह होते हैं पिता,
आप क्षमा करे पिता, आप क्षमा करे पिता, आप माफ करे पिता, आप ही निष्पाप जुलावर हैं पिता, जो आप हम सभी नहीं सभी के हर मनुष्य के सारे जगत के पापों को क्षमा कर सकते हैं यहोवा जुलावर मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। जो छोटे बच्चे पिता बीमार पड़े हैं पिता, बुखार में हैं पिता, आपके नाम से पिता उन बच्चों को पिता आप चंगाई दीजिए पिता। आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं मेरे राजा, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु, पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं पिता, आप प्रभु के प्रभु यीशु मसीह पिता। आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दी है, कोढ़िये पाइजों को शुद्ध किया है पिता। महान आश्चर्य काम करने लिए मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरे बाप आप हैं यीशु मसीह, आप हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यदेशु 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 धन्यदेशु, पवित्र पवित्र राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी शादी नहीं होती है पिता, जो शादी को लेकर टूट गए हैं पिता, जो शादी को लेकर निराशा में चले गए हैं पिता, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं मेरे पिता, मैं आपसे विनती करते हैं पिता इनकी शादियाँ हो जाए पिता, अच्छा सा रिश्ता आने पाए पिता आपके नाम से पिता, अच्छा सा रिश्ते पाए यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार पिता, ये उधर उधर ताक झाक में ना लगे रहने पाए पिता, इनकी अच्छे से शादियाँ हो जाए पिता पिता, ताकि इनको शैतान भरमाने ना पाए, पाप में गिराने ना पाए मेरे जुलावर पिता, इनकी शादियाँ हो जाए पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है पिता, पिता लड़ाई झगड़ा पिता आपके नाम से बंद हो जाए पिता, ये लड़ाई झगड़ा शैतान डालता है पिता। जिन घरों में पिता लड़ाई झगड़ा होता है पिता, आपके नाम से पिता लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए पिता। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु, पवित्र पवित्र पिता। जब अपने दूतों के साथ आना पिता, तो हम सभी मसीह भवन को पिता लेकर जरूर जाना पिता, जरूर जाना पिता, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत छोड़ना पिता। पिता हम मनुष्य जाते हैं पिता, पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं मेरे पिता, आप क्षमा करें पिता, आप क्षमा करें मेरे प्रिय भाई बहनों। जो भी आपसे पाप गलती गुनाह होते हैं, अब भी आइए, इसी वक्त आइए पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेककर बैठ जाइए और बोल दीजिए पिता, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैंने अब तक जब बचपन से अब तक लगातार मैंने जितने भी पाप किए हैं पिता, आप क्षमा कर दीजिए, आप अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए मेरे पिता। ऐसे प्रार्थना करिए परमेश्वर से और यीशु मसीह से बोल दीजिए पिता, आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे जीवन में आए, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा जीवन जीऊंगी आपके लिए। ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दुआ फरियाद करिए, परमेश्वर आपकी गुहार को सुनेगा। मेरे पिता मैं आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता, इन सब हो के पापों को आप क्षमा कर दे पिता, आप क्षमा कर दीजिए पिता, अपनी करुणा के अनुसार पिता अपनी प्रजा के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता। जो पिता गरीब है लाचार है पिता, जो गरीब है पिता, इनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है पिता, जो कंगाल है पिता, पिता आपके नाम से पिता उनकी कंगाली दूर हो जाए सुरजा। पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। यश मेरे खुदा बने यीशु मसीह पिता, आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं पिता। पिता के घरों के पास उसे उंडेल दीजिए, बरकतें दीजिए पिता, इन्हें सुबह शाम का भोजन खिलाइए सुरजा, किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा पिता। पिता जो भी मसीह भाई रात में नहीं सो पाते, डर लगता भय लगता है, इन मसीह भाई बहनों को पिता आपके नाम से पिता दूतों का बड़ा बांध देते हैं इस मसीह पिता, आपके लहू का लेप लगा देते हैं पिता, पिता आपके लहू का बड़ा बांध देते हैं ईश्वर राजा पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थथराती कर से दूर भागती पिता, इस रात को आपके जुलौर बहा में सौंपते हैं पिता। मुझे आशा है विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना पिता, और वैसा ही आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में कर दिया है पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप सभी जन हमारे साथ बोलिए आमीन आमीन।